नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तर आप देख रहे हैं। अगर आप स्मार्टफोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो रुक जाइए कुछ दिन। 29 तारीख से लेके 4 तारीख तक फ्लिपकार्ट में है फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज, और वहां पर आपको मिलने वाला है स्मार्टफोन में काफी धमाकेदार डिस्काउंट। ये वीडियो को आगे देखते रहिए, मैं आपको बताऊंगा कौन सा स्मार्टफोन में आपको मिलने वाला है काफी भारी डिस्काउंट। सो दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दो, अगर आप फ्लिपकार्ट से कोई भी चीज़ शॉपिंग करते हैं, मैंने बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी, उसको इस्तेमाल करके खरीदेंगे तो मुझे थोड़ा फायदा मिल जाएगा, मेरे चैनल को चलाने में थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल आपको 29 से लेकर 4 तारीख तक चलेगा। अगर आप फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर है तब आपको 4 घंटा पहले एक्सेस मिल जाएगा, मतलब 28 तारीख रात 8 बजे से आप फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल का फायदा उठा सकते हैं। अगर आपके पास ICICI और एक्सिस बैंक का क्रेडिट और डेबिट कार्ड है, मतलब एक्सिस बैंक का अगर आपके पास क्रेडिट और डेबिट कार्ड है और ICICI बैंक का डेबिट कार्ड है, तब आपको मिल सकता है 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट, डिपेंडेड ऑन द प्रोडक्ट। सब प्रोडक्ट नहीं है, कुछ कुछ प्रोडक्ट में आपका मिलता है, तो ये वाला चीज भी काफी अच्छा है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट में आपको मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कौन से स्मार्टफोन में आपको काफी धमाकेदार डील मिलेगा। सबसे पहला जो डील मुझे लगता है अच्छा है, व्हिच इज द पोको F1। अगर आपको 845 वाला प्रोसेसर चाहिए और अच्छा खासा स्पेसिफिकेशन चाहिए सस्ते प्राइस में, पोको F1 का प्राइस आपका कम हो गया है। 6 64 GB आपको मिल जाएगा 15,000 रुपये में, 6 128 16,000 रुपये में और 8 256 मिल जाएगा 19,000 रुपये में। अगर पोको खरीदने का सोच रहे थे, दिस इज़ द राइट टाइम टू बाई इट। नेक्स्ट बात करते हैं Realme 3 Pro, जनरली 14,000 में आपका मिलता है, यहाँ पर आपको 2,000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब ये आपको मिल जाएगा 11,990 रुपये में। खाली यही नहीं, अगर आप कोई भी फ़ोन एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज वैल्यू के साथ साथ आपको 1,000 रुपये का और डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब प्रैक्टिकली इसका फ़ोन का दाम और कम हो जाएगा और कंपनी की तरफ से आपको लगभग 3,000 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। हालांकि अगर आप एक्सचेंज नहीं भी करते, फिर भी मुझे लगता है 11,999 रुपये में ये वाला फ़ोन भी काफ़ी बेहतर है। तो फाइनली बहुत दिन बाद देखा है डिस्काउंट Xiaomi Redmi Note 7 Pro में। Note 7 Pro और Realme 3 Pro का डिस्काउंट लगभग आपका सेम ही है। Note 7 Pro भी जनरली 14 में मिलता है, यहाँ पर ऑफर में आपको 11,999 मतलब 12 में मिलेगा। अगर आप एक्सचेंज करते हैं 1,000 रुपये के एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको मिलेगा, मतलब प्रैक्टिकली कंपनी की तरफ से आपको लगभग 3,000 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा। अगर 12,000 में भी आपका Note 7 Pro मिलता है, विच इज़ ऑल्सो प्रिटी गुड डील। हालांकि अभी थोड़ा सा पुराना हो गया, फिर भी अगर आप सोच रहे थे Note 7 Pro खरीदेंगे, आई थिंक इस जैसा डिस्काउंट तो इसके बाद मिलेगा, अभी तो नहीं मिलेगा। Vivo Z1 Pro अंडर 15,000 रुपीस में वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है फॉर गेमिंग। उसके साथ साथ बैटरी कैमरा सभी यहां पर आपको सही दिया गया है, और Vivo की तरफ से एक ऐसा स्मार्टफोन है जो आपको हर चीज़ में मतलब सहूलियत देता है, कहीं पर भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करता है इस प्राइस रेंज में। जनरली वीवो का प्राइस काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर आपको 2,000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब 15,000 रुपये नहीं अभी आपको देना पड़ेगा, मात्र 12,990 रुपये, मतलब 13,000 में आपको मिल जाएगा Vivo Z1 Pro का बेस वेरियंट। Realme C2 में आपका 1,000 रुपये का डिस्काउंट है, जो जनरली 232 मिलता था 7,000 रुपये में, वो आपको मिल जाएगा 5,999 रुपये में। खाली यही नहीं, और एक बजट कैटेगरी स्मार्टफोन है जो है आपका Redmi 7 है। जी हाँ, जो कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ Redmi 7 है, अगर आप लेना चाहते हैं, क्योंकि जैसे आपको पता है 8 लॉन्च होने वाला है, तो 7 है अगर आप लेना चाहते हैं, पहले आपको देना पड़ता था 6,000 रुपये, अभी आपको मिल जाएगा 4,999 रुपीज़। लेकिन ये जो 1,000 रुपये का डिस्काउंट है, याद रखिए ये ओनली फॉर प्रीपेड ऑफर के लिए, COD के लिए अवेलेबल नहीं है। सैमसंग का तो धमाकेदार डील मैंने देखा है। अगर आप सैमसंग का S सीरीज़ फ़ोन खरीदना चाहते हैं, दिस इज़ द 100% राइट टाइम टू बाई। सैमसंग गैलेक्सी S9 जो लास्ट ईयर का फ्लैगशिप था सैमसंग की तरफ से लॉन्च किया गया, वो आपको मिल जाएगा मात्र 29,999 रुपये, मतलब 30,000 रुपीज़ में। और अगर आप सैमसंग गैलेक्सी S9 प्लस लेते हैं, दैट विल कॉस्ट यू 34,999 रुपीज़, मतलब 35,000। तो अगर आपके पास इस रेंज का बजट है तो डेफिनेटली इसको एक बार आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। सैमसंग S सीरीज़ फ़ोन काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी अच्छे अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च होता है, और S9 में आपको वेरिएबल अपर्चर भी मिल जाएगा। सो फाइनली Xiaomi का K20 और K20 Pro में एक भारी डिस्काउंट आया है। K20 अभी आपको मिल जाएगा अंडर 20,000, मतलब 19,999 रुपीज़ में, और K20 Pro आपको मिल जाएगा 24,999 रुपीज़ में। तो फाइनली ये दो फोन में आपका डिस्काउंट आ गया है। मुझे लगता है 19,999 रुपीज़ में K20 उतना खराब डिवाइस नहीं, फिर भी मैं बोलूंगा थोड़ा वेट कर जाओ, अभी तो बहुत सारा स्मार्टफोन लॉन्च होना बाकी है। Infinix का एक धमाकेदार डील है, Infinix Smart S3 Plus, ये 7,000 रुपये में लॉन्च हुआ था और काफ़ी अच्छा स्पेसिफिकेशन था,
लॉन्च हुआ था, मैंने भी इसका वीडियो बना था, आप जाए तो चेकआउट करके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको 1500 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब ये वाला स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा 5499। आई थिंक 5500 रुपये में ये वाला फ़ोन काफ़ी बेहतर है, आप डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हैं। इन्फिनिक्स और एक मेरा काफ़ी पसंदीदा स्मार्टफोन है, इन्फिनिक्स हॉट 8 तो है ही, उसके साथ साथ 7000 रुपये में आपको मिलता है इन्फिनिक्स नोट 5। अभी भी मुझे लगता है ये वाला फ़ोन काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आपको 4500 mAh का बैटरी मिलता है, लगभग 6 इंच का आपको एक फुल HD IPS डिस्प्ले दिया गया है, उसके साथ साथ यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग और फास्ट चार्जर भी बॉक्स में मिलता है। ओवरऑल एंड्रॉइड 1 का भी फैसिलिटी है, और एक चीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपको स्टॉक एंड्रॉइड चाहिए ये वाला फोन भी कंसिडर कर सकते हैं ₹7000। और देखते देखते रेडमी 7 और रियलमी 5 में भी डिस्काउंट आ गया है। रियलमी 5 अभी आपको मिलेगा जो बेस वेरियंट 3/32 वो आपको मिल जाएगा 8999 रुपये में, मतलब कुछ ही दिनों में 1000 रुपये का डिस्काउंट आ गया है, और हायर वेरियंट आपको ज़्यादा पैसे से खरीदना पड़ेगा। और अगर रेडमी 7 इसका लोअर वेरियंट देखा जाए, जहाँ पर आपको सबसे सस्ता 48 MP कैमरा मिलेगा विच एस 8999 जी, यहाँ पर भी 9000 रुपये में आपको सैमसंग का वही 48 MP का सेंसर मिलेगा, और 7S मतलब रेडमी नोट 7 और 7S दोनों ही सेम है, खाली कैमरा का डिफरेंस है, ये आपको मिल जाएगा 9000 रुपये में। तो इट मेक्स दिस फोन वन ऑफ द चीपेस्ट स्मार्टफोन जो 48 MP कैमरा के साथ आपको मिलेगा 9000 रुपये में। और एक काफ़ी एक्साइटिंग फोन है विच इज़ रियलमी 2 प्रो। जी हाँ, रियलमी की तरफ से लॉन्च किया गया सबसे सक्सेसफुल स्मार्टफोन, आई थिंक सबसे पहला सक्सेसफुल स्मार्टफोन रियलमी 2 प्रो ही था मेरे हिसाब से, और वो भी आपको मिल जाएगा 4/64 वेरिएंट 8999 रुपये में। तो 9000 रुपये में ये भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपिटिटर है। सो गाइज, ये था कुछ इंटरेस्टिंग और धमाकेदार स्मार्टफोन डील्स जो आपको मिलेगा फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल में, जो आपका 29 से लेकर 4 तारीख तक होने वाला है। और आप मेरे चैनल पे बने रहिए, क्योंकि फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल के बारे में बहुत सारा वीडियो मेरे चैनल पे आने वाला है, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। और अगर आपको इसके अलावा भी और भी कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में जानना है, डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर एज मच एज आई कैन। सो इस वीडियो में अभी तक लेते हैं, दिस योर होस्ट साइन ऑफ फ्रॉम डैड, होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलना, विच इज़ Instagram/Dada15।